हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप एजी 507 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों को देखिए पढ़ना है फ्रूट के बारे में और प्लांटेशन क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो इसमें फ्रूट क्रॉप कौन सा है, प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है, ये सब आप लोगों ने सिलेबस में देख ही लिया है। तो हम लोग फ्रूट और प्लांटेशन क्रॉप क्या है, इस सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानकारी लेंगे। इसकी अगले वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है भारत में फल उत्पादन का महत्व, इसकी वर्तमान स्थिति तथा इसका भविष्य क्या है, ठीक है। भारत में, हमारा जो भारत देश, इसमें फल उत्पादन का महत्व क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, इसका भविष्य में क्या स्थिति रहेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फल का जो उपयोग है हमारे जीवन के लिए एक विशेष महत्व रखता है, ठीक है। फल जो है हमारे जीवन के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मनुष्य के भोजन में संतुलित आहार के लिए फलों एवं सब्जियों का होना नितांत आवश्यक होता है। ये सभी को पता है कि फलों में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में फल उत्पादन का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्तमान में स्थिति पढ़ रहे हैं, भविष्य में इसका क्या स्थिति रहेगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो उसके पहले हम लोगों को फल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है कि जो फल है, ठीक है, फल का उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। मनुष्य के भोजन में संतुलित आहार के साथ साथ फलों को भी जोड़ा गया है, ठीक है। मनुष्य के भोजन में संतुलित आहार के साथ साथ फलों को भी जोड़ा गया है। एक मनुष्य को प्रतिदिन 200 ग्राम से ज्यादा फल को खाना चाहिए, ठीक है, जैसा कि वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है। एग्जैक्ट कितना खाया जाना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 200 ग्राम से ज्यादा खाया जाता है, 240 ग्राम शायद। तो 240 ग्राम एक मनुष्य को प्रतिदिन फल का सेवन करना चाहिए भोजन के साथ साथ, जो कि उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो यही इसमें बता रहा है कि फलों का उपयोग हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। मनुष्य के भोजन में संतुलित आहार के लिए फलों एवं सब्जियों का होना नितांत आवश्यक है। यह सभी को पता है कि फलों में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे विटामिन पाया जाता है, लवण पाया जाता है, ठीक है। और बहुत से फल ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे पपीता हो गया, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, इन प्रजाति के फलों में पेक्टिन पाया जाता है। यह क्या करता है, ये हमारे पेट को साफ रखने में और अतड़ियों की क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये सब फल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी कि फल क्या होता है, फल से हमें क्या लाभ है और कैसे लाभ होता है। चलिए देखते हैं इसका महत्व क्या है, फल का महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व इसका पहले हम लोग देखेंगे। तो फल जो है, फल का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फल का उत्पादन जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करता है और कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो फल उत्पादन करके क्या करते हैं कि जो हमारे किसान होते हैं, वो अपने रोजगार का एक साधन खोज लेते हैं। इससे क्या होता है, उनको रोजगार मिलता है और वह क्या करते हैं, इससे अपना व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं तो उनको लाभ होता है, उनको आर्थिक लाभ होता है। यदि हमारे देश के किसानों को आर्थिक लाभ हुआ तो हमारे देश को भी लाभ होगा। तो यही बात है यहाँ पर कि फल उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करता है और कृषि संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देता है। कृषि संबंधित उद्योग कौन सा हो गया, जैसे आप लोग देखेंगे इस टाइम बहुत सारा, बहुत तेजी से चल रहा है केचप, ठीक है, और जेली, ये सब क्या है, ये सब इन्हीं सब की देन है, किसानों की देन है। किसानों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उन जो फल तैयार किया जाता है, उन फलों से ये प्रोडक्ट सब तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर कि फलों से हमें आर्थिक महत्व होता है। फल उत्पादन जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लाखों किसानों को रोजगार प्रदान करता है और कृषि से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देता है। कोई भी उद्योग जो कृषि से संबंधित हो, उसे बढ़ावा देता है। इससे किसानों के साथ साथ देश को भी आर्थिक लाभ होता है। तो यह पहला पॉइंट था महत्व में, आर्थिक महत्व। दूसरा देखते हैं पोषण में योगदान, ठीक है। तो फलों में विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है। हमारे जो फल होते हैं, फलों में पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जिससे लोगों को सही पोषण प्राप्त होता है। जिससे क्या होता है, लोगों को सही पोषण प्राप्त होता है। यह जो फल होते हैं, विभिन्न विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर प्रदान करते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। देखिए एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, और जैसा मैं आप लोगों को बता दूंगा, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, 100% एग्जाम में आएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 110% एग्जाम में आएगा। और देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि फल उत्पादन का महत्व क्या है, विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है
कि फल उत्पादन की वर्तमान में स्थिति क्या है उसको समझाइए। तीसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि फल उत्पादन का भविष्य में क्या योगदान रहेगा उसको बताइए। तो तीनों को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे और तीनों मिलाकर एक क्वेश्चन हमने बना दिया है, तो तीनों को देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसमें है पोषण में योगदान। तो फल क्या करते हैं, हमारे पोषण में योगदान करते हैं। फलों में विभिन्न प्रकार के पोषण तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है जिससे लोगों को सही पोषण प्राप्त होता है। यह फल विभिन्न विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर प्रदान करते हैं जो सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अगला पॉइंट है भूमि सुरक्षा। तो भूमि सुरक्षा का मतलब क्या है, तो फलों की खेती भूमि सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अब बताइए कैसे भूमि सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे जो फल होते हैं ना, फल आप लोग फल के जो पेड़ होते हैं उन पेड़ के नीचे उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत दूर तक बहुत लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। जड़ क्या करती है, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे बारिश के समय में उनका अपरदन नहीं होता, इरोजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वह प्रदूषण से हमारे फलों को हमारे पौधों को बचाता है। उनकी जो पत्तियां होती हैं वहीं पर गिरती हैं, जैसे खाद बनता है, खाद बनता है तो उससे और पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही बात है कि भूमि की सुरक्षा करती है, फलों की खेती भूमि सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूमि अधिक सुरक्षित और प्रदूषण से बचाती है, ठीक है, क्योंकि यह भूमि को अधिक सुरक्षित और प्रदूषण से बचाते हैं। यह था इसका महत्व। चलिए आगे देखेंगे फल उत्पादन की वर्तमान में स्थिति क्या है, ठीक है। तो फल उत्पादन के वर्तमान में स्थिति क्या है उसको देखेंगे। तो भारत में फल उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन जो भी वृद्धि हुई है यह अभी भी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, क्योंकि देखिए भारत की हमारी जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश बन गया है हमारा भारत, और विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी बन गया चाइना को पीछे छोड़कर, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो यही बोल रहा है कि भारत में फल उत्पादन में वृद्धि तो हुई है लेकिन अभी भी अपेक्षाओं को पूरी नहीं करती, मतलब जितना फल चाहिए अभी भी हम लोगों को उतना फल मिल नहीं पा रहा है, जिसके लिए उच्च बुआई वाली किस्मों का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी में सुधार करके और सबसे महत्वपूर्ण खेती तकनीक का अनुसरण करने की आवश्यकता है हमारे देश के किसानों को, ठीक है। तो स्थिति यह है कि वर्तमान में स्थिति यही है भारत देश की, यहाँ पर फल के उत्पादन में वृद्धि तो हो रही है लेकिन उतनी वृद्धि नहीं हो पा रही जितनी की आवश्यकता है, ठीक, क्योंकि जनसंख्या भी इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए हमें उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए और कृषि के तकनीक का यूज करके फलों का उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। भारतवर्ष में फलों का क्षेत्रफल 2014-15 में 6,110,000 प्रति हेक्टेयर था, ठीक है, 6,110,000 हेक्टेयर था, जिसमें पैदावार 86,602 टन था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2014-15 में 6,110,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर 86,602,000 टन का उत्पादन होता था, लेकिन 2016-17 में इसको बढ़ाकर 6,480 किया गया और 6,480.11 किया गया तथा पैदावार में भी वृद्धि, पैदावार कितनी हुआ तब 92,845.98 टन उत्पादन, मतलब उत्पादन बढ़ गया कुल मिला जुलाकर यदि बात करें तो, ठीक है। तो कुछ राज्य में हम लोग देखेंगे फलों जो मुख्य फल उत्पादन करने वाले राज्य हैं वहाँ पर कितने क्षेत्रफल में खेती की जाती है और कितना उत्पादन होता है, इन सभी को देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले तमिलनाडु। तमिलनाडु में 311 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फल की खेती की जाती है जिसमें 6,079 टन क्या होता है उत्पादन प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में 763 हेक्टेयर पर खेती की जाती है जिसमें 10,378 टन का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में 604 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है जिसमें 12,098 टन उत्पादन होता है। गुजरात में 392 हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती की जाती है जिसमें 8,482 टन का उत्पादन प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में 4,470.91 हेक्टेयर क्षेत्र पर फलों की खेती की जाती है जिसमें 10,353.49% उत्पादन होता है, ठीक है। तो यह मुख्य फल उत्पादन वाले कुछ राज्य थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो वर्तमान में फलों की स्थिति यही है कि क्या होता है कि फलों की स्थिति यही है कि फल का उत्पादन जो है वह तो बढ़ा है लेकिन जो भारत की जनसंख्या वह काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए जो फल का उत्पादन बढ़ा है वह अभी भी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है, जिसके लिए हमें उच्च बुआई किस्मों का प्रौद्योगिकी में सुधार करने के और महत्वपूर्ण खेती तकनीकों का उपयोग करके हम लोग इसके उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं। भारतवर्ष में फलों का क्षेत्रफल 2014-15 में 6,110 हेक्टेयर था तथा पैदावार 86,602 टन था, लेकिन 2016-17 में यह बढ़कर 6,480 हेक्टेयर हो गया।
जो कि उत्पादन भी इसका 92,845.98 टन हो गया। ठीक है, तो यही था भारत फल उत्पादन की वर्तमान में स्थिति है। चलिए अब आगे देखेंगे फल उत्पादन का भविष्य, भविष्य में फल उत्पादन, तो फल उत्पादन का भविष्य देखेंगे हम लोग। तो इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी कुछ बातें बताएंगे, उसको सुनिएगा। तो जो हमारा भारत सरकार है, ठीक है, सरकार ने सबसे पहले कृषि की उन्नति के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की थी। ठीक है, हमारी जो सरकार है उन्होंने फल के उत्पादन के लिए या कृषि की उन्नति के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की थी, जिसकी 1929 की रिपोर्ट के अनुसार फल उद्योग में काफी विकास किया गया था। ठीक है, जिसकी 1929 की रिपोर्ट के अनुसार फल उत्पादन में काफी विकास किया गया था। इसमें फलों की प्रमुख जातियों का संग्रह किया गया था तथा उनको जलवायु के अनुसार एक्लिमाइज्ड किया गया था, मतलब अभ्यस्त किया गया था, उसके अनुकूल बनाया गया था जलवायु के। ठीक है, और उनके लिए उचित मूल्य वृंतों को चुनकर फलों के गुण में सुधार करके फलों के परिवहन तथा क्रय विक्रय के संबंध में अन्वेषण कार्य किया गया था। फल परिरक्षण विषय में अन्वेषण कार्य इत्यादि सम्मिलित था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने सबसे पहले कृषि की उन्नति के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की थी, जिससे जिसकी 1929 की रिपोर्ट के अनुसार फल उद्योग में काफी वृद्धि और विकास किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी पीछे बता दिया, तो हम लोग फल उत्पादन की भविष्य देख रहे हैं। तो फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो सके, पहला पॉइंट है। ठीक है, तो फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो। अगला पॉइंट है बागवानी विकसित करना। ठीक है, फलों की खेती को विकसित करने के लिए बागवानी को महत्वपूर्ण बनाया जाना जा सकता है। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए और बागवानी में नए तरीकों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा जो फल का उत्पादन है और तेजी से बढ़ेगा। अगला पॉइंट है सशक्त किसान। सशक्त किसान का मतलब यह है कि हमारे जो किसान है उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, कैसे कैसे नई टेक्नोलॉजी से खेती की जाती है। यदि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी रहेगी तो वह क्या करेंगे, तो वह नई नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, तो किसानों को नई तकनीकों, उन्नत खेती विधियों और सरकारी योजनाओं के साथ साथ सशक्त करना चाहिए, ताकि वे अपनी फसलों को बेहतरीन तरीके से उत्पन्न कर सकें। तो यही था भारत में फल उत्पादन का महत्व, वर्तमान में स्थिति और भविष्य। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और पहला क्वेश्चन जो है वह हो गया 12 मिनट का। इसके बाद हम लोग जो भी 4 क्वेश्चन देखेंगे छोटा छोटा देखेंगे, जिसमें पहला है दूसरा क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है। स्प्रिंकलर सिंचाई का नाम आप लोग सुने होंगे, तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है, नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना है, स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है पहले सुन लीजिए, फिर दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें वृक्षों के ऊपर या बगल में पाइपलाइन स्थापित की जाती है, जिसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, एक पाइपलाइन स्थापित की जाती है जिसमें क्या होता है, छिद्र होता है, इसमें छिद्र कर दिया जाता है। अभी आके समझ में आ जाएगा छिद्र क्यों किया जाता है। पाइपों में पानी ऊंची पानी की टंकियों या मोटर की सहायता से दबाव से भेजा जाता है, मतलब प्रेशर से भेजा जाता है। जल जो होता है वर्षा की तरह वृक्षों पर गिरता है, इससे क्या होता है भूमि कटाव नहीं होता तथा असमतल भूमि भी सफलतापूर्वक सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यह मान लीजिए हमारा फसल है। ठीक है, ये हमारा फसल इस पे और इस पे, ये बीच में से एक पाइप जाएगी। ठीक है, इस पाइप में कहीं कहीं पर छिद्र कर दिया जाएगा, 4-5 छिद्र कर दिया जाएगा, और प्रेशर से इसमें क्या किया जाएगा, पानी भेजा जाएगा। जब प्रेशर से पानी जाएगा ना, इधर से पाइप बंद रहेगा। ठीक है, मान लीजिए इधर से पाइप बंद रहेगा, इसे प्रेशर से पानी जाएगा, तो इसको यहीं से पानी निकलने की आवश्यकता जगह मिलेगा, तो क्या होगा कि यहाँ से बारिश की जो बूंदें होती हैं उसकी जैसे बौछार की तरह पानी गिरेगा। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो आप लोग देख सकते हैं यही है स्प्रिंकलर इरिगेशन। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें से एक एक पाइप गई है, थोड़ा फोटो साफ नहीं है। ठीक है, एक एक पाइप गई इसमें से, इस पाइप में क्या किया गया, थोड़ा सा ऊपर उठाकर यहीं पर छिद्र है, छिद्र से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है, ताकि ये पानी की जो बूंदे है इधर जाए और इधर जाए दोनों तरफ। देखिए यहाँ से स्प्रिंकलर सिंचाई हो रही है, नहीं समझ में आया दूसरा देखिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी किया गया है, नीचे से पाइप गई है, ऊपर थोड़ा सा उठा दिया गया है पाइप को, दूसरा पाइप डालकर, तो वहां से देखिए छिद्र है, छिद्र से पानी देखिए बारिश की बूंदे की तरह फैल रहा है। ठीक है, तो यही है स्प्रिंकलर सिंचाई। देख लीजिए एक बार फिर से, स्प्रिंकलर सिंचाई को बरसात की बौछार या की आसास देने वाली सिंचाई बोला जाता है। ठीक है, जो स्प्रिंकलर सिंचाई होती है इसको बरसात की बौछार का आसास देने वाली सिंचाई बोला जाता है।
इसे पानी को प्रेशर के साथ पाइप के जाल द्वारा फैलाकर स्प्रिंकलर के नोजिल तक पहुंचाया जाता है, जहां से यह एक समान वर्षा की बौछारों के रूप में जमीन में फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नोजल लगा होता है। नोजल मतलब नोजल आपको जानते होंगे, इस आकार का नोजल लगा होता है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। तो उसी से क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वह सभी दोनों तरफ जाता आता है। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंकलर इरीगेशन। चलिए अगला देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, नींबू के कैंकर रोग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नींबू का जो सिट्रस कैंकर डिजीज होता है, ठीक है, कैंकर डिजीज जो कैंकर डिजीज होता है नींबू का, सिट्रस कैंकर डिजीज, यह क्या होता है। ठीक है, ये जो डिजीज होता है विशेष रूप से नींबू पर आक्रमण करने वाला यह एक जीवाणु जेंथोमोनास, जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास साइट्री। ठीक है, जेंथोमोनास साइट्री यह एक जीवाणु है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो नींबू में सिट्रस कैंकर डिजीज होता है ना, यह एक विशेष रूप से नींबू पर आक्रमण करने वाले जीवाणु रोग जेंथोमोनास साइट्री के कारण होता है। ठीक है, जेंथोमोनास साइट्री के कारण होता है। रोग की प्राथमिक दशा में, रोग जब शुरुआत होगा उस दशा में पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे उभरते हैं, पत्तियां जो होती है ना उन पर हल्के पीले धब्बे उभरते हैं जो बाद में खुरदरे और गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, जिससे उनका बाजार का जो मूल्य होता है वह गिर जाता है। रोग देखेंगे आप लोग, नींबू देखेंगे, नींबू जो हरा हरा नींबू होता है ना पहले देखेंगे, उस पर क्या होता है कि भूरे भूरे कलर का उस पर धब्बा आ जाता है, उसी को बोल रहा है सिट्रस कैंकर, वही सिट्रस कैंकर रोग होता है। जैसे हम लोग कैंसर बोल सकते हैं उसको, एकदम कैंसर बोल दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रोग की प्राथमिक दिशा में जब रोग की शुरुआत होती है उस दिशा में पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे उभरते हैं जो बाद में खुरदरे और गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य गिर जाता है। रोगग्रस्त टहनियां तथा पत्तियां मरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त शाखाओं को काट कर नष्ट कर देते हैं तथा वर्षा काल के प्रारंभ में 0.25% ब्लाइटाक्स और 50 का छिड़काव 20 दिन के अंतर पर करते हैं। प्रयोगों में 500 ppm फाइटोमाइसिन का छिड़काव अधिक प्रभावशाली भी सिद्ध होता है। ठीक है, तो यही था नींबू का कैंकर डिजीज, सिट्रस कैंकर डिजीज। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि लीची का जो माइट है, ठीक है, लीची माइट कीट पर लेख लिखिए। क्वेश्चन है, नोट ऑन लीची माइट, तो लीची से निकलने वाली जो कोमल पत्तियां होती हैं उन्हीं को यह जो कीट होता है नुकसान पहुंचाता है। माइट माइट, ठीक है, कीट का नाम है कि माइट। ठीक है, लीची माइट कीट पर लेख लिखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्या होता है, यह लीची से निकलने वाली कोमल पत्तियों को यह जो कीट होता है वह नुकसान पहुंचाता है। इसके जो प्रभावित पत्तियां हैं वो मोटी हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। यह जो कीट होता है पत्तियों पर गुच्छा सदृश घुमावदार स्थान बनाकर रहता है। पत्ती जो होती है अंततः सूख जाती है। इससे जो क्या करता है, यह कीटों की पत्तियों पर गुच्छादार घुमावदार बनकर रहता है, इसलिए क्या होती है, पत्तियां सूख जाती हैं। इसका प्रकोप मार्च से जुलाई तक रहता है। इसके बाद नियंत्रण के लिए मार्च से जुलाई के मध्य डाइमिथोएट 0.05% घोल का 3 से 4 बार छिड़काव करते हैं, तो यह जो रोग होता है यह खत्म हो जाता है। तो यही थे 5 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आप लोग इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।